बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलावल को फरजंदे जरदारी कहना क्या गाली है? पीपी रहनुमा की शिकायत पर शहबाज गिल का जवाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने निजी टीवी के प्रोग्राम में एतराफ करते हुए कहा है कि वफाकी वजीर बराए मुआसलात मराद सईद का बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी को फरजंदे जरदारी कहना हमें नागवार गुजरता है। ऐसा लगता है कि जैसे मराद सईद बिलावल भुट्टो को गाली दे रहे हों। प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान नफीसा शाह का बिलावल को फरजंदे सरदारी के लकब से पुकारने को गाली करार देने पर प्रोग्राम के मेजबान काशिफ अब्बासी ने हैरत का इजहार करते हुए नफीसा शाह से पूछा, आप वजीर आजम इमरान खान को न्याजी या फरजंदे न्याजी नहीं कहते? इस सवाल पर नफीसा शाह ने ठठाई का मुजाहरा करते हुए कहा, ये तो ठीक है लेकिन बिलावल को फरजंदे जरदारी कहना हमें मुनासिब नहीं लगता। पहले 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 मुराद सईद ने जो बातें की हैं, आप एक खोल देना पब्लिक ओपिनियन से व्यू पूछे कितनी दफा उन्होंने फरजंदे जरदारी फरजंदे कितनी दफा उन्होंने कहा है, कितनी दफा उन्होंने व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। लेकिन आप इसमें खराबी मतलब ये समझ लगा के खुद ताना, कह रहे हैं आप लोग न्याजी नहीं कहते? नहीं, वो कहते हैं ठीक है, आप भी ताने के तौर पे कहते हैं ना। गाली देखे पहले जो फरजंदे न्याजी जब एक दफा माहौल डीजेनरेट करना शुरू करता है, खराब होना शुरू होता है, वो खराब ही होता है। मुराद सईद की लैंग्वेज देखे, उसका टोन देखें, उसकी नास्टीनेस देखें, आप सारा वो पूरा तकरीर चला दें और आवाम से पूछें। दूसरी जानिब नफीसा शाह के इस बयान पर के बिलावल को फरजंदे जरदारी कहना हमें गाली लगता है पर रद्दे अमल का इजहार करते हुए वजीरे आजम इमरान खान के मामने खसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल का समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहना था कि कौन लोग हैं ये, अब इनके नजदीक फरजंदे जरदारी भी गाली हो गई। ये लोग मुराद सईद का जवाब नहीं दे पाते तो झूठे इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने गाली दी है। जब पूछो कि कौन सी गाली तो बोलते हैं बिलावल को फरजंदे जरदारी बोला है। मुराद सईद से दलील के साथ मुकाबला करें, गलत बयानी और बहतान से नहीं। इसी तरह समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर सैयद फयाज अली नामी सार्फ का नफीसा शाह के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहना था कि जहालत के कुतुब मीनार जालों के नजदीक बिलावल को फरजंदे जरदारी कहना गाली है। ठीक है, आज से हम बिलावल को बिनते जरदारी कहकर बुला लेते हैं। मोहम्मद तारक नामी ट्विटर सार्फ का भी नफीसा शाह के हैरत अंगेज बयान पर रद्द अमल देते हुए कहना था, आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल कर ही लिया, बिलावल को फरजंदे जरदारी कहना असल में एक गाली है। सिकंदर हयात ने कहा, गिल साहब, किसी भी शरीफ शख्स की जरदारी या भुट्टो से निस्बत जोड़ी जाए तो इसे गाली ही लगेगी। जैसे बिलावल को फरजंदे जरदारी कहना बुरा लगता है, मरियम को मरियम सफदर कहा जाए तो वो बिदक उठती हैं। एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, अगर बिलावल को फरजंदे जरदारी बोलने पर पीपल्स पार्टी गला पकड़ रही है तो एक कमीशन बनाकर पीपल्स पार्टी से वजाहत लेनी चाहिए कि वो इस पर आग भगोला क्यों हो रहे हैं और इनके जवाब की रोशनी में बिलावल की वल्दियत का तायन असरे नोक कर दिया जाए। यह हुकूमत और नादरा का फर्ज है, इस पर सियासत ना की जाए। सामिया मसूद ने कहा, वैसे फरजंदे जरदारी होना गाली ही तो है, अतराज बजा है इनका। एक और सार्फ ने कहा, शहबाज गिल साहब आप भी बादशाह आदमी है, समझ ही नहीं पा रहे। असद बुखारी ने कहा कि बिलावल को फरजंदे जरदारी कहना गाली नहीं तो और क्या है, जब वो बार बार कहते हैं कि बिलावल को दुख्तरे जरदारी लिखा जाए और पुकारा जाए तो आप भी मुराद सईद से कहें वो पार्टी चेयरमैन का अदा मलहूज़े खातर रखें, आज से बिलावल भुट्टो जरदारी को दुख्तर जरदारी लिखा और पुकारा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।